दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आपको भी रेल यात्रा करना है तो आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ चुकी है। और यहाँ पर आने वाले 20 मार्च यानी कि इसी 20 मार्च 2024 से भारतीय रेलवे एक साथ शुरू करने जा रही है 14 नई ट्रेनें। और ये जो सभी 14 के 14 ट्रेनें हैं इनको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी भारतीय रेलवे की तरफ से जारी हो चुका है। इसके साथ ही इसके ऑफिशियल ट्रेन नंबर, कहाँ से कहाँ चलने वाली है, कब से ये गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, किस किस दिन को चलेगी, मतलब की सारी चीजें यहाँ पर भारतीय रेलवे ने क्लियर कर दिया है। और इसी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, इसलिए प्लीज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि ये जो जानकारी है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बाकी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर हम नई ट्रेनों की बात कर लें तो भारतीय रेलवे यहाँ पर भीड़ को देखते हुए समय समय पर जो नई नई ट्रेनें हैं उनको ट्रैक पर उतारती रहती है, ताकि जिनको चल रही ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाता है उनके लिए जो नई ट्रेनें हैं ये काफी बड़ी सहूलियत लेकर आती है। ऐसे में दोस्तों बात कर लें 14 नई ट्रेनों के बारे में, तो इसको लेकर जो पूरा लिस्ट है वो तो इंडियन रेलवे ने जारी कर दिया है। और अब इसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ताकि जो सभी चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो बात करें इन 14 नई ट्रेनों की, तो इसमें जो सबसे पहली ट्रेन है ये चलने वाली है सिकंदराबाद से गोमती नगर के बीच में। और इसके जो ऑफिशियल ट्रेन नंबर है वो यहाँ पर होने वाला है 07219। और ये गाड़ी दोस्तों सिकंदराबाद से गोमती नगर यानी कि लखनऊ के बीच में अपना सर्विस देने वाली है। बात कर ले किस तारीख को ये गाड़ी अपना सर्विस देगी, तो आने वाला जो 20 मार्च 2024 है इस दिन को ये गाड़ी अपना सर्विस देने वाली है। बात कर ले टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी 20 मार्च को यानी कि बुधवार के दिन सुबह में 10:45 पर सिकंदराबाद से खुलेगी, शाम में करीबन 3:30 बजे के आसपास गोमती नगर पहुंचेगी। वहीं दोस्तों ये जो हमारी गाड़ी है सिकंदराबाद से गोमती नगर वाली, इसमें आपको ICF डब्बे देखने को मिलेंगे। और इसमें जो टिकट बुकिंग है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिया है। और जैसा कि सभी को पता है कि सिकंदराबाद से लखनऊ वाला हमारा जो रूट है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट हो जाता है, और खासकर देश में किसी भी त्योहार के समय में ये जो रूट है इस पर काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इंडियन रेलवे ने सिकंदराबाद से गोमती नगर के लिए यहाँ पर एक नई ट्रेन चलाने का यहाँ पर फैसला ले लिया है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरी ट्रेन की, तो ये गाड़ी गोमती नगर से सिकंदराबाद के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07220। ये गाड़ी दोस्तों आने वाले 22 मार्च को अपना सर्विस देने वाली है ट्रैक पर। बात कर ले टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी 22 मार्च 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर में करीबन 2:30 बजे गोमती नगर से खुलेगी, और यहाँ पर दो दिनों बाद यानी कि शनिवार के दिन अप्रोक्सीमेटली रात में करीबन 11 बजे के आसपास सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। और ये भी गाड़ी दोस्तों एक नई ट्रेन होने वाली है गोमती नगर से सिकंदराबाद के बीच में, और इसमें भी जो टिकट बुकिंग का विंडो है वो यहाँ पर भारतीय रेलवे ने ओपन कर दिया है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरी ट्रेन की, तो ये गाड़ी सिकंदराबाद से संतरागाछी के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07223। बात कर ले कि किस तारीख को ये गाड़ी चलने वाली है, तो ये गाड़ी आने वाले 22 मार्च 2024 को अपना सर्विस देने वाली है। वहीं ये गाड़ी 22 मार्च 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह में 7:05 पर सिकंदराबाद से रवाना होगी, और यहाँ पर अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह में करीबन 10:30 बजे के आसपास संतरागाछी पहुंचेगी। और इसमें भी दोस्तों टिकट बुकिंग का जो विंडो है वो भारतीय रेलवे ने ओपन कर दिया है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चौथी ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों संतरागाछी और सिकंदराबाद के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07224। बात कर ले चलने के दिन की, तो ये गाड़ी दोस्तों आने वाले 23 मार्च 2024 को अपना सर्विस देने वाली है। वहीं बात करेंगे इसके टाइम टेबल की, तो 23 मार्च यानी कि शनिवार के दिन ये गाड़ी दोपहर में 12:20 पर खुलेगी, और अगले दिन रविवार को दोपहर में 2:45 पर सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। इस गाड़ी में भी दोस्तों टिकट बुकिंग का जो विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पांचवी ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों सिकंदराबाद से शालीमार के बीच में चलने वाली है, और इस रूट के लिए एक नई ट्रेन होने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07225। वहीं दोस्तों बात कर ले चलने के दिन की, तो ये जो गाड़ी है वो आने वाले 25 मार्च को अपना सर्विस देने वाली है। बात करेंगे इसके टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी दोस्तों 25 मार्च को सुबह में करीबन 4:30 बजे यानी कि सोमवार के दिन सिकंदराबाद से रवाना होगी, और अगले दिन मंगलवार को सुबह 6:05 पर शालीमार पहुंच जाएगी। और इसमें भी दोस्तों टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है। इसी तरह हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगली ट्रेन यानी कि छठी ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों शालीमार से सिकंदराबाद के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07226। और ये जो गाड़ी है वो अपना सर्विस 26 मार्च को देने वाली है। बात करें इसके टाइम टेबल की, तो 26 मार्च यानी कि मंगलवार के दिन सुबह में 10 बजे ये गाड़ी शालीमार से खुलेगी, और अगले दिन बुधवार को करीबन 1 बजे दिन में ये गाड़ी पहुँच जाएगी सिकंदराबाद, और इसमें भी टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है।
इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें हमारी सातवीं ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों काचेगुड़ा से लालगढ़ के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07053। बात करेंगे चलने के दिन की, तो ये गाड़ी 16, 23 और 30 मार्च को अपना सर्विस देने वाली है। वहीं दोस्तों बात करेंगे इसके टाइम टेबल की, तो 16, 23 और 30 मार्च यानी कि शनिवार के दिन में ये गाड़ी 9:30 बजे रात में काचेगुड़ा से खुलेगी और यहाँ पर दो दिन बाद यानी कि मंगलवार को दोपहर में करीबन 1:35 पर लालगढ़ जंक्शन पहुंचेगी। और मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो गाड़ी है वो अपना सर्विस हफ्ते के 3 दिन देने वाली है, 16, 23 और 30 मार्च को। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें हमारी आठवीं ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों लालगढ़ से काचेगुड़ा के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07054। वहीं दोस्तों ये जो गाड़ी है वो आने वाला 19 और 26 मार्च के साथ 2 अप्रैल 2024 को भी अपना सर्विस देने वाली है। बात करेंगे टाइम टेबल की, तो 19 और 26 मार्च और 2 अप्रैल को ये गाड़ी शाम में करीबन 7:45 पर लालगढ़ से खुलेगी और दो दिन बाद यानी कि बृहस्पतिवार को सुबह में 9:30 बजे काचेगुड़ा पहुंच जाएगी। और इस ट्रेन में भी दोस्तों टिकट बुकिंग का काम शुरू हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें नौवीं ट्रेन की, तो ये ट्रेन सिकंदराबाद से दरभंगा के बीच में चलने वाली है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट होगा इस गाड़ी के लिए। दोस्तों सिकंदराबाद से दरभंगा के बीच में चलने वाली ये हमारी जो नई ट्रेन है, इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07221 और ये गाड़ी दोस्तों अपना सर्विस आने वाले 21 मार्च को देने वाली है। बात करें टाइम टेबल की, तो 21 मार्च को यानी कि बृहस्पतिवार को ये गाड़ी शाम में 7 बजे सिकंदराबाद से खुलेगी और दो दिन बाद यानी कि शनिवार को सुबह में करीबन 10 बजे के आसपास दरभंगा पहुंचेगी। और इस गाड़ी में भी दोस्तों टिकट बुकिंग का जो विंडो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें दसवीं ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों दरभंगा से सिकंदराबाद के बीच में चलने वाली है, जिसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा 07222। बात करेंगे चलने के दिन और टाइम टेबल की, तो आने वाला जो 23 मार्च है उस दिन अपना सर्विस देने वाली है और 23 मार्च 2024 को यानी कि शनिवार के दिन सुबह में करीबन 11:30 बजे ये गाड़ी दरभंगा से खुलेगी और दो दिन बाद यानी कि सोमवार के दिन सुबह में 4:50 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। और इसमें भी टिकट बुकिंग का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे 11वें ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों हैदराबाद और पटना के बीच में चलने वाली है और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट होगा हमारे बिहार वासियों के लिए। दोस्तों हैदराबाद से पटना के बीच में हमारी जो नई ट्रेन चलने वाली है, इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर है 07227 और ये गाड़ी आने वाले 22 मार्च को अपना सर्विस देने वाली है हैदराबाद से पटना के लिए। बात करेंगे टाइम टेबल की, तो आने वाला हमारा जो 22 मार्च है उस दिन ये गाड़ी शाम में करीबन 4:10 पर यानी कि शुक्रवार के दिन हैदराबाद से खुलेगी और यहाँ पर दो दिन बाद यानी कि संडे के दिन सुबह में करीबन 3 बजे पटना जंक्शन पहुंच जाएगी। और इस गाड़ी में भी टिकट विंडो ओपन हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें 12वीं ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों पटना और हैदराबाद के बीच में चलने वाली है और ये गाड़ी अपना सर्विस 24 मार्च 2024 को देने वाली है। बात करें टाइम टेबल की, तो 24 मार्च 2024 को यानी कि संडे के दिन सुबह में करीबन 5 बजे ये गाड़ी पटना से खुलेगी और अगले दिन यानी कि मंडे को दोपहर में करीबन 1:30 बजे ये गाड़ी पहुँच जाएगी हैदराबाद और इसमें भी टिकट बुकिंग शुरू हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें 13वीं ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों काचेगुड़ा से रक्सौल के बीच में चलने वाली है और ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रूट होगा हमारे बिहार वासियों के लिए, क्योंकि दोस्तों होली का समय है और यहाँ पर सभी लोग जो कि बाहर रहते हैं रोजगार की तलाश में, वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। और ऐसे में जो बिहार वासी हैं ये काफ़ी बड़ी संख्या में बड़े बड़े शहरों में रहते हैं रोजगार को लेकर, तो होली के समय में सभी लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं। तो ये जो सभी की सभी भारतीय रेलवे ट्रेनें चलाती हैं वो इन्हें सभी लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होता है ताकि उनकी जो यात्रा है वो यहाँ पर आसान हो सके। वहीं बात कर ले काचेगुड़ा से रक्सौल वाली इस नई ट्रेन के बारे में, तो इसका जो ऑफिशियल ट्रेन नंबर होगा वो यहाँ पर दिया गया है 07229 और ये गाड़ी दोस्तों अपना सर्विस 22 मार्च को देने वाली है। बात करें टाइम टेबल की, तो 22 मार्च के दिन ये गाड़ी दोपहर में 2:45 पर काचेगुड़ा से खुलेगी और यहाँ पर दो दिन बाद सुबह में करीबन 5:55 पर रक्सौल जंक्शन पहुँच जाएगी। और इस गाड़ी में भी दोस्तों जो टिकट बुकिंग है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसी तरह हम बढ़े आगे और बात करें सबसे लास्ट यानी कि 14वीं ट्रेन की, तो ये गाड़ी दोस्तों रक्सौल से काचेगुड़ा के बीच में चलने वाली है और ये जो गाड़ी है वो अपना सर्विस आने वाले 26 मार्च को देने वाली है। बात करें ऑफिशियल ट्रेन नंबर की, तो इसका जो ऑफिशियल ट्रेन नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है 07230। ये गाड़ी दोस्तों रक्सौल से काचेगुड़ा के बीच
में चलने वाली है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और 26 मार्च के दिन ये गाड़ी शाम में करीबन 7:15 बजे रक्सौल से खुलेगी और यहाँ पर 2 दिन बाद सुबह में करीबन 11 बजे ये गाड़ी पहुँच जाएगी काचेगुड़ा। और इसमें भी जो टिकट बुकिंग का विंडो है उसको यहाँ पर भारतीय रेलवे ने ओपन कर दिया है। तो दोस्तों ये थे अप एंड डाउन मिलाकर टोटल 14 नई ट्रेनें जिसकी शुरुआत साउथ सेंट्रल रेलवे ने कर दिया है। और इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी कर दिया है। इसी तरह दोस्तों जो सभी जोन है वो अपनी तरफ से लगातार होली स्पेशल ट्रेनों को चला रही है। चाहे हम बात कर ले ECR की, तो ECR में जो भी ट्रेनें चल रही है अभी के डेट में उनके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। और यहाँ पर इस वीडियो में हमने बात किया SCR यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे वाली होली स्पेशल ट्रेनों के बारे में। ऐसे करके दोस्तों सभी जो जोन है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो रेल यात्री हैं जो अपने घर आसानी से पहुंचना चाहते हैं उनकी यात्रा यहाँ पर आरामदायक तरीके से कराया जा सके। खासकर दोस्तों जो बिहार आने वाले रेल यात्री होते हैं वो किसी भी त्यौहार के सीजन में उनकी यात्रा काफी ज्यादा कठिनाइयों से भर जाता है, उनकी यात्रा आसानी से पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए जो भारतीय रेलवे है वो खासकर बिहार हो गया, UP हो गया, ऐसे जो स्टेट है वहाँ के लिए स्पेशली सैकड़ों की तादाद में ट्रेनों को उतारती है ताकि जो एक्स्ट्रा रश है उनको ये जो एक्स्ट्रा ट्रेनें हैं उनके माध्यम से कंट्रोल किया जा सके। बाकी दोस्तों ECR के अंडर में चलने वाली जितने भी होली स्पेशल ट्रेनें हैं उन पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको दिल्ली वगैरह से पटना या फिर बिहार आना है तो उस वीडियो में आपको बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो का मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई जाने वाली ये जो 8 जोड़ी नई ट्रेनें हैं स्पेशल ट्रेनें इनके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया। बाकी इंडियन रेलवे का ऑफिशियल ऐप NTES पर इन सभी का जो ऑफिशियल ट्रेन नंबर है साउथ सेंट्रल में चलने वाली ये जो गाड़ियां हैं इनके ऑफिशियल ट्रेन नंबर को डालकर आप इनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे जितने भी होली स्पेशल ट्रेनों के बारे में जो अपडेट मुझे मिल रहे हैं उनको मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसे और भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।